हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सिटी केबल के बारे में ही, और बताऊंगा दोस्तों सिटी केबल नेटवर्क पे 1 अक्टूबर 2022 से OTT प्लेटफॉर्म शुरू हो रहा है। यानी कि 1 अक्टूबर 2022 से सिटी केबल के ग्राहक और सिटी केबल के केबल ऑपरेटर्स अपने ग्राहकों को OTT की सर्विसेज देना शुरू कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है। अगर आप सिटी केबल के ऑपरेटर हैं तो आपके SMS पोर्टल पे उसकी इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। तो आज के वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ कि OTT की सर्विसेज देने से पहले आपको करना है प्री रजिस्ट्रेशन, उसके क्या प्रक्रिया है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों बता दूँ, आपका जो सिटी केबल का URL है evscitynetworks.com, वहाँ पे आप जाते हैं, अपना जो भी यूज़र ID, पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद जब लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। अगर अपने मोबाइल या लैपटॉप के जिस भी आप ओपन करते हैं सिटी केबल का पोर्टल, तो राइट साइड में आपको सिटी केबल का OTT का एक ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। वॉचो ऐप के थ्रू सिटी केबल शुरू करने जा रहा है। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिय साथी, वॉचो के दुनिया में आपका स्वागत है। हम सिटी में हमेशा अपने LCO भाइयों को अपने ग्राहक संबंधी और मजबूत करने के मदद करने की इच्छा रखते हैं। इसी के प्रयास में हम वॉचो ऐप लॉन्च कर रहे हैं, उनके लिए मनोरंजन की एक नई दुनिया खोलेंगे। वॉचो एक ऐप है जो आपके मोबाइल फ़ोन पर भारत के शीर्ष सभी OTT ऐप प्रदान करता है, ताकि आप यात्रा के दौरान अतिरिक्त भुगतान किए बिना ही OTT ऐप को देख सकते हैं। इस वॉचो ऐप की खास बात ये भी है कि इसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि अगर सिटी का इंटरनेट है तो ही चलेगा। किसी भी कंपनी का इंटरनेट हो, इवन मोबाइल का भी डेटा हो, तो उसके थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बताने से पहले एक चीज़ और टर्म एंड कंडीशन है जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो सिटी केबल का जो OTT ऐप अगर एक्सेस कोई भी कस्टमर करना चाहता है तो उसके लिए उसके सेटअप बॉक्स को भी एक्टिव होना अनिवार्य है। अगर आप सिटी केबल के सब्सक्राइबर हैं, आप सेटअप बॉक्स यूज करते हैं, तो जो सेटअप बॉक्स पे आपका VC नंबर है, उसी VC नंबर के जरिए आपका सिटी केबल का जो वॉचो ऐप है उस ऐप पे एक्सेस कर पाएंगे और उसका प्लान रिन्यू या एक्टिवेट कर पाएंगे। तो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है उसका यहाँ पे वीडियो क्लिप है, मैं डाल रहा हूँ, उसे आप देख लीजिए। उस तरीके से सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आपके पोर्टल में जितने भी सेट बॉक्स एक्टिवेट है उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान सजेस्ट कर दिया जाएगा, और उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको कितना ग्राहक से पैसा लेना है और कितना आपको कंपनी को पे करना है सारा विवरण वहाँ पे दिख जाएगा। और 1 अक्टूबर को जैसी OTT लॉन्च होगा उसके बाद ही आपके सेटअप आपको उतने सेम IDs प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए अभी क्लिप आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। सो गाइस, जैसे कि अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ LCO को कैसे प्रोसेस करना है प्री रजिस्ट्रेशन के लिए, तो सबसे पहले आपको पोर्टल को लॉगिन करना है आपके User ID और पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद। जैसे ही आप User ID पासवर्ड डालते हैं तो आपके पोर्टल पर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाता है, और एक ग्रीन में यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी जितने भी आपके नेटवर्क में सेटअप बॉक्स एक्टिवेट होंगे उतने User ID जनरेट करने के लिए, नीचे उतना पैसा वगैरह आपको दिख जाएगा। और जैसे ही आगे प्रोसीड करेंगे तो फिर से आपको दोबारा User ID मांगा जाएगा, जो भी आपका User ID है उसे डालना है, उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा सारा डिटेल आपका नेटवर्क का, फिर प्रोसीड टू पे करना है। प्रोसीड टू पे करने के बाद आप जो भी है वॉचो का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वॉचो पे क्लिक कर लीजिए, और पेटीएम या जैसे भी पे या पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सीधा पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से अपने अकॉर्डिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, जो उस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हो मेथड सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपको करना है पेमेंट की पूरी प्रोसीजर। और उसके बाद आपको 1 अक्टूबर को मिल जाएगा वॉचो ऐप के उतने ही सर्विसेज, उतने ही IDs, जिसके थ्रू आप अपने ग्राहकों को देख कर उन्हें इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही केबल TV सेटअप बॉक्स के साथ साथ OTT के जरिए भी आप रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं।
तो पेमेंट होने के बाद आपको अगर आपके नेटवर्क में 100 बॉक्सेस एक्टिवेट है तो 100 बॉक्सेस के अकॉर्डिंग आपको वहां पे यूज़र आईडी दे दिया जाएगा, और वो यूज़र आईडी जिस ग्राहक का सेटअप बॉक्स है सेम उसके वीसी नंबर के थ्रू आपको उसकी प्रोसीजर करना है। पेमेंट होने के बाद आप इसकी प्रिंटआउट ले सकते हैं ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और इस तरीके से आप OTT के सर्विसेज को इंजॉय कर सकते हैं, साथ ही सेल कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो 1 अक्टूबर से बेसिकली सिटी नेटवर्क अपना शुरू करने जा रहा है OTT की सर्विसेज वॉचो ऐप के जरिए। इसके लिए वॉचो ऐप आपके मोबाइल में या टीवी में टैबलेट में इंस्टॉल होना चाहिए, उसके बाद ही इसकी सर्विसेज काम करेगी। तो होप आपको समझ में आया होगा इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसे करना है रजिस्ट्रेशन OTT के लिए। जैसा कि अभी आपने देख ही लिया होगा कि OTT का प्री रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है 1 अक्टूबर से, ऑफिशियली आप ग्राहकों को दे सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि पहले से ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेना या उसकी पूरी डिटेल लेना तो इस वीडियो में मिली गई है, साथ ही अपने बिजनेस मैनेजर से भी कॉन्टैक्ट करके इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरीके का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स लॉट। सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। धन्यवाद।